शेयर बाजार में मंगलवार को चुनावी नतीजे वाले दिन जो तबाही मची थी उसमें निवेशकों के करीब 30 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। इस मामले को लेकर अब राहुल गांधी ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने शेयर बाजार में इलेक्शन रिजल्ट डे पर आई सुनामी को लेकर अटैक किया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हिंदुस्तान के स्टॉक मार्केट के हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है। उन्होंने इस मामले में जेपीसी की मांग की है। वहीं इस पर अब भाजपा के नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राहुल गांधी के शेयर बाजार में घोटाले के आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता कर जो भाजपा और हमारे नेताओं पर अनाप शनाप आरोप लगाए हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि लोकसभा चुनाव में विपक्ष की हार की हताशा से राहुल गांधी जी उभर नहीं पाए हैं। अब राहुल गांधी मार्केट के इन्वेस्टर्स को भी गुमराह करने की साजिश रच रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, आज भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। आज पूरी दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में स्वीकार करती है। मोदी जी ने देश को आश्वस्त किया, देश विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। मोदी जी के तीसरे टर्म में आने से राहुल गांधी परेशान नजर आ रहे हैं, इसलिए वो अपने बयानों के साथ विदेश और देश के निवेशकों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी सरकार के 10 सालों के सफल कार्यों से मार्केट में हमारे भारतीय निवेशकों ने लाभ लिया, यही वजह है कि आज देश और दुनिया का विश्वास भारत के ऊपर है, मोदी जी के ऊपर है। उन्होंने आगे क्या कहा, आप भी सुनिए। करनी चाहिए कि जब आंकड़े आ रहे थे और उनको ज्यादा सीटें थोड़ी मिली अनुमान से, तो अगर मार्केट गिरी तो ये दर्शाती है कि दुनिया और देश के निवेशकों का कितना डर था कि राहुल गांधी जी की वोटें बढ़ रही हैं या सीटें बढ़ रही हैं, उसका भय दर्शाता है कि उनकी सरकार आने से लोगों में कितना विश्वास है कि तकलीफ आएगी। तो उसका तो राहुल गांधी जी ने चिंता करनी चाहिए कि उनकी सीटें थोड़ी बढ़ने से दुनिया में और देश में कितनी खलबली मच गई। अब जब लोगों को विश्वास हो गया कि मोदी सरकार आ रही है, फिर मार्केट स्टेबलाइज हो गई और पुराने आंकड़े वापस आ गए।